एक होती है टीवी और एक होती है टीवी। खैर, इस टीवी से उतनी प्रॉब्लम नहीं है जितनी किस जान लेने वाली टीवी से है। भारत में इस समय सबसे ज्यादा करीब 2.64 मिलियन टीवी के मरीज हैं, जो कि भारत को इस मामले में सबसे अधिक टीवी से प्रभावित देश बनाते हैं। और आज हम आपको ये सब इसलिए बता रहे हैं क्योंकि आज विश्व टीबी दिवस है। आज ही के दिन 24 मार्च 1882 में डॉक्टर रॉबर्ट कोच ने माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस नामक बैक्टीरिया की खोज की थी, और यही कारण है कि जिसकी वजह से टीबी की बीमारी होती है। टीबी यानी कि क्षय रोग, जो कि एक संक्रामक रोग है और ये कीटाणुओं के कारण होता है। टीबी के लक्षणों में 3 सप्ताह से ज्यादा की खांसी, बुखार, खासतौर से शाम को चढ़ने वाला बुखार, छाती में दर्द, वजन का घटना, भूख में कमी और बलगम के साथ खून आना। WHO के मुताबिक दुनिया भर में होने वाली मौतों के टॉप रीजंस में से टीबी एक है, पर फिर भी इसके बचाव के कई साधन उपलब्ध हैं, जैसे कि बच्चों को जन्म के 1 माह के अंदर BCG का टीका अवश्य लगवाएं, रोगी खांसते व छींकते वक्त अपने मुंह पर रुमाल रखें, रोगी जगह जगह ना थूके, और टीबी का पता चलने पर इसका पूर्ण इलाज जरूर करवाएं। अगर आप टीबी की जांच कराना चाहते हैं तो सबसे अच्छा ऑप्शन आपके लिए नजदीक के सरकारी अस्पताल या फिर प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, जहां पर आपकी टीबी की जांच पूरे तरीके से निःशुल्क की जाएगी। अगर आप टीबी पॉजिटिव पाए जाते हैं तो इसका इलाज भी सभी सरकारी अस्पतालों में बिल्कुल मुफ्त किया जाएगा। इसके लिए आपको घर के नजदीक के स्वास्थ्य केंद्र, उप स्वास्थ्य केंद्र या फिर प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में संपर्क करना होगा, जहां पर आपका इलाज डॉट्स पद्धति के अंतर्गत किया जाएगा। हर साल टीबी दिवस को मनाने का उद्देश्य टीबी के वैश्विक महामारी को समाप्त करने के लिए प्रयासों को तेज करना है। हर साल टीबी दिवस की एक थीम होती है, जैसे 2022 के टीबी दिवस की थीम टीबी को समाप्त करने के लिए निवेश करें और जीवन बचाएं। आज टीबी दिवस 2022 के मौके पर केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर मनसुख मंडाविया ने स्टेप अप टू NTB वर्ल्ड टीबी डे समिट 2022 का भी उद्घाटन किया है, और इसमें ऐसे राज्यों और जिलों को पुरस्कृत भी किया गया है जिन्होंने टीबी उन्मूलन की दिशा में बेहतर काम किया है। खैर, अब समय है ये जानने का कि आखिर 25 करोड़ की आबादी वाले यूपी में टीबी के मरीजों की संख्या क्या है। तो इसका जवाब है कि हमारे यूपी में सबसे ज्यादा टीबी के मरीज हैं। टीबी से जुड़ा देश का हर 5वां मरीज हमारे यूपी से है, और यूपी भारत के 20% टीबी रोगियों का घर है। तो आज का हमारा ये वीडियो आपको कैसा लगा, इसके बारे में हमें इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। यूपी जुड़ी और तमाम लेटेस्ट खबरों की अपडेट के लिए देखते रहिए हमारे चैनल बातें यूपी की।